हेलो माय लवली आटम्स मेरे प्यारे बच्चा लोग कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो और हेल्थ वाइज एकदम सुपर हो मैं हूं अनुभा गौर आप सबकी प्यारी एजी मैम आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर आज पे पूरा केमिस्ट्री अवतार में लैब कोट को बहुत मिस कर रही थी मास्टर्स के बाद से एकदम बंद हो गया सोचा केमिस्ट्री की थोड़ी और फील ली जाए और मैं हूँ अब आपके सामने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे तो टेंथ वालों क्या आप तैयार हो आज हम करने वाले हैं क्या स्क्रीन पर लिखा है कि एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं मैं डिटेल से आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लगते हैं बैलेंस का मतलब क्या है और एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो आपके सिलेबस में है उसको हम केटर करेंगे वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड रेडियो यो ए जी मैम एटम्स आर्मी रेडी एटम्स आर्मी रिपोर्टिंग यस चलो फिर देर किस बात की स्टार्ट कर देते हैं सेशन को मीन थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार देना है वीडियो को एक थम्सअप ज़रूर प्रेस कर देना ये थम्सअप मतलब लाइक कर दिया आपने शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ के हाँ भाई हम पूरे जोश के साथ लेक्चर शुरू कर चुके हैं कर रहे हैं आप नए अकेडमिक ईयर का भी और उसके साथ साथ शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि टेंथ की चिंता आप छोड़ दो हमने कर ली है आप लोगों के लिए टेंथ की चिंता ठीक है और भरपूर बेशुमार आप लोगों को पढ़ाएंगे दिल खोल के खूब सारी प्रैक्टिस के साथ Alright, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं ये मेरा इंस्टा हैंडल है अनुभव करिए आपको और इंपॉर्टेंट टाइम हाँ, से टाइम मिलती रहेगी ठीक है? तो कर लेते हैं कि लास्ट लास्ट में क्या किया था याद है कि नहीं याद है कि नहीं, क्या किया था क्या किया था हाँ, बता दो क्या किया था ये स्टूडेंट्स एप्सोल्यूटली हमने डिस्कस किया था एक फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है कैसे केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को आप लैब में जाओ तो कैसे डिटेक्ट करोगे हाँ भैया मैंने देख लिया है केमिकल रिएक्शन हुआ है बॉस अब मेरे को इतनी समझ आ गई है ए जी मैम की क्लास मैंने अटेंड की है है ना कैसे कैसे था आप ये देखते हो कि ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है उसका कलर परमानेंटली चेंज हो जाता है गैस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर ठीक है प्रेसिपिटेट्स बनते हैं प्रेसिपिटेट्स बताया था सॉलिड इंसेल्यूबल प्रोडक्ट जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं कलर चेंज के साथ साथ टेम्परेचर चेंज या तो बीकर जिसमें रिएक्शन कर रहे हो टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन कर रहे हो वो गर्म हो जाएगा या वो ठंडा हो जाएगा है ना ये सब हमने डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ा था यस और आज की क्लास में अप्रॉक्सीमेटली अगले तीस पैंतीस मिनट में हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड विद सो मेनी एग्जाम्पल्स ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आई होप आपने होमवर्क का आंसर दिया था क्योंकि होमवर्क का आंसर ज़रूरी है मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे टाइम से टाइम पता रहना चाहिए कि यू नो आप लोग आंसर कर रहे हो और आप लोग भी हमारी तरह वो डेडिकेशन शो कर रहे हो ना कि लास्ट में जाके पढ़ रहे हो एग्ज़ाम से पंद्रह दिन पहले बहुत काम है यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पढ़ाई कैसे करें इतना सिलेबस कैसे कवर करें ये सब तभी होता है शुरू से पढ़ते हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं आती है ट्रस्ट में चलो फिर इस सवाल का जवाब दो वेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ट इन द एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इज फॉर्म डैश इन कलर कलरिटी की थी लास्ट क्लास में भी बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्मूला है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आ चुके हो वैलेंसी लिखते हो आप पहले फिर क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की वैलेंसी को और वो सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए तो वो आप कैसे लिखोगे एम जी ओ ठीक है लैब कोट जैसा क्या आपके कपड़ों में सफेदी है <laughs> है कि नहीं तो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी वाइट ठीक है सफेद एकदम मक्खन जैसा सफेद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और आपको याद ही होगा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो होगा क्या वाइट पाउडर निकलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में और ऐसे ही व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम आती है व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम का मतलब बहुत ही ज्यादा शाइनी और ब्राइट आंखें वो बोलते हैं ना हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं आंखें चौंधी आ गई मतलब इतनी लाइट थी ठीक है इसलिए हम गॉगल्स पहन के करते हैं ये लैब के गॉगल्स आते हैं ताकि आपकी आंखों आंखों पे कोई इसका असर ना पड़े ज्यादा ठीक है ठीक है बहुत सिंपल है चलो फिर अब ये बात आती है ये इक्वेशन मैंने तुमको बोल के समझा दी इसको मैं लिखू कैसे ठीक है इसको मुझे लिखना है तो वो लॉन्ग वो एक्सपेरिमेंट को मैं अगर एक छोटी सी लाइन में लिखना चाहूँ केमिकल टर्म्स में तो कैसे लिखूंगी वहां पे काम आती है केमिकल इक्वेशन बच्चों ठीक है वहां पे क्या काम आती है केमिकल इक्वेशन मैं लैब में जाऊँ तो मैं ये नहीं लिखूंगी ना अगर कोई टीचर मुझे बोलेगा मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिस्ट्री हैज देयर ओन शॉर्टकट्स ठीक है तो हम उन शॉर्टकट्स में जाएंगे और तब हम पढ़ते हैं किसके बारे में केमिकल इक्वेशन के बारे में केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों चलो जल्दी से एक बार देखते हैं केमिकल इक्वेशन ये होती है जब आप किसी रिएक्शन को किसकी फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दो सिंबोलिकल रिप्रेजेंटेशन अल्लाह मुश्किल भाषा आसान भाषा में समझाओ ना मैम तो आसान भाषा में बोलूं तो बच्चों एलिमेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए थे जैसे कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं है, है ना कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए थे जैसे मैग्नीशियम एम था ऑक्सीजन ओ था सिंबल लेकिन जब उनका फॉर्मूला बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो केमिकल फॉर्मूलाइज एम तो यही है कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन को उसके किस फॉर्म में सिंबल्स एंड फार्मूलास को इंक्लूड करके लिखोगे वो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन वो बन जाएगी बच्चों केमिकल इक्वेशन ठीक है और उस केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना है रिएक्टेंट लिखते हो लेफ्ट साइड पे और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगाओगे ठीक है प्रोडक्ट लिखोगे राइट right साइड में और उनको एक एरो से सेपरेट करोगे जैसे मान लो मैं इसी रिएक्शन की बात करती हूँ मैग्नीशियम था तो एम मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट करना था ऑक्सीजन रिएक्टेंट है रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपने लिखा प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लीज ओ मत लिख के आना ऑक्सीजन ओटू के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है ओ स्टेबल हो ही नहीं सकता जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो किसी न किसी आ, फॉर्म में आपको मिलती है इसकी ऑटोमिसिटी दो होती है ये भी नाइन्थ में पढ़े थे या ऑटोमिसिटी दो मतलब ये ओटू के फॉर्म में मिलेगी आपको फिर एरो लगाओगे क्योंकि एरो का मतलब है ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए और कुछ बना के दे रहे हैं वो आपको लिखना है और वो क्या बना के आ, मतलब दे रहे हैं मैग्नीशियम ये क्या कहलाती है बच्चों बताओ मुझे इतने समझाने का असर हुआ तो ये बताओ ये क्या कहलाती है अब ये कहलाती है दिस इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड बट रिएक्शन क्या है केमिकल इक्वेशन यही केमिकल इक्वेशन है बच्चों ठीक है यही केमिकल इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन क्या होती है जब आप इसी को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है ठीक है लेकिन ये कौन सी थी वर्ड इक्वेशन वर्ड की फॉर्म में इसी को जब केमिकल्स यानी कि सिंबल्स एंड की फॉर्म में लिखोगे तो क्या बोलते हो क्या बोलते हो स्केलेटल इक्वेशन ऑल्सो ठीक है जब आप इसको सिंबल फॉर्मूला में लिखते हो इसका एक नाम होता है स्केलेटल स्केलेटल केमिकल केमिकल इक्वेशन इक्वेशन वो chemical equation जो skeletal है मतलब ढांचा है ठीक है अगर मैं बात करूं आपको भी पता है फीमेल बॉडी मेल बॉडी अलग अलग ढांचा कैरी करती है बट सबकी फीमेल बॉडी या मेल बॉडी होगी तो एक जैसी वही दो हाथ पैर दो आंखें दो कान है ना एक नाक है ना लेकिन फिर भी सब अलग अलग दिखते हैं क्योंकि सबका केलेटन चाहे सेम हो अपर बॉडी अलग अलग हो सकती है इन दैट सेम वे स्केलेटल इक्वेशन मतलब सिर्फ सिंबल एंड फॉर्मूला को लिख देना जरूरी नहीं है वो फाइनल आउटकम हो वो फाइनल आउटकम हो तो ऐसी फाइनल आउटकम क्यों नहीं है क्योंकि फाइनल आउटकम क्या होती है बच्चा जब ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में हो जब ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में हो बैलेंस फॉर्म का मतलब है जितने मैंने एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे यूज किए रिएक्टेंट साइड में जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया है वही सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए क्योंकि लेवाइजर अगेन नाइन्थ क्लास इंटर्न लेर ने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वो क्या कहता है वो ये कहता है कि जो भी आपके एटम्स थे इवन वेन दे अंडरगो केमिकल चेंज ना ही नए एटम्स अपने आप क्रिएट हो सकते हैं ना ही कोई एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स एक केमिकल रिएक्शन में सेम होने चाहिए क्योंकि तभी मास सेम रहेगा कैरी मास है ना? मैम का ढाई किलो का हाथ ढाई किलो का हाथ ठीक है सब एटम से है बने हैं तो एटम्स से ही मास आता है, है ना तो अगर दोनों साइड एटम सेम हुए बच्चों तो इवेंचुअली क्या सेम होगा दोनों साइड एटम सेम है मतलब मास सेम होगा तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समराइज कर दूंगी मैं क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फॉर्मुलाज में लिखो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन लेकिन उस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन के नाम से बुलाते हैं ठीक है स्केलेटल इक्वेशन के नाम से बुलाते हैं और वो एक बेसिक ढांचा है मतलब उसके जरूरी नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम हो उन्हें हम सेम बनाएंगे और उस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों करना पड़ता है क्योंकि साहब कहके गए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा हमेशाफाई होना चाहिए जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम्स हैं, दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि जब एक केमिकल चेंज होगा भी तो केमिकल चेंज में हो सकता है जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूट गए हो।, हो सकता है नए बॉन्ड बन गए हो ठीक है लेकिन उनके बीच में रीअरेंजमेंट होती है ऐसा नहीं कोई सी नाम का प्राणी यहाँ पे आके जुड़ गया उन सबके बीच में रीअरेंजमेंट होगी जिससे नए सब ठीक है नया नहीं आएगा ना डिस्ट्रॉय होगा दिस इज योर केमिकल इक्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्स गेटिंग ठीक है बच्चों समझ आ गया क्यों करते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल है वाई वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन पेपर में आ सकता है एक डेढ़ नंबर का पता चला फिर पूछ लेगा एक एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाओ मैग्नीशियम ऑक्सीजन का ले लेना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के दिया उसको बैलेंस करना कैसे वो मैं सिखाऊंगी ठीक है उसको बैलेंस कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेक चेक समझ आ गया दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम हो तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया रिएक्शन थी ये मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है इधर एक मैग्नीशियम है इधर भी एक ही होना चाहिए इधर दो ऑक्सीजन है इधर भी दो होना चाहिए बच्चे गलती क्या करते हैं यहां लगा दिया दो बेटा नाइन्थ क्लास का रूल अब आप सोचोगे शायद फिजिक्स और बायो में इतना रेलिवेंस ना हो किसका मतलब पुरानी क्लासेस का बट यहां पे जरूर याद रखना कि नाइन्थ का काफी रेलिवेंस है जो कुछ चीजें आप पढ़ के आए हो वो यहाँ पे आप भूल नहीं सकते ठीक है तो फॉर्मूला में आप ऑल्टर नहीं कर सकते कि आप एम जी ओ टू बना दो बस क्योंकि आटम सेम करने हैं आप क्या करोगे फॉर्मूला में नहीं बदलाव कर सकते आप इनके स्टार्टिंग में कुछ नंबर लिख सकते हो कुछ होल नंबर ठीक है आप इनके स्टार्टिंग में कुछ होल नंबर लिख सकते हो जिससे पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाए इन होल नंबर को हम किस नाम से बुलाते हैं टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट टोक्योमेट्रिक को एफिशियंट ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशियंट वो क्या होता है स्टोक्योमेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट करना ठीक है एक दो तीन चार सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर लिखेंगे मतलब सबसे छोटा पॉसिबल होल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक यहाँ पे एक दोनों साइड बैलेंस है यहाँ पे ऑक्सीजन अगर मैं एक लगाती हूँ एक मॉलिक्यूल है तो इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है यहाँ नहीं कर सकते यहाँ दो लगा दो ठीक है यहाँ दो लगा दिया ऑक्सीजन दो हो गए बट उससे मैग्नीशियम भी तो दो हो गए तो यहाँ पे दो लगा दो वो हम कर सकते हैं सिंपलेस्ट पॉसिबल नंबर देके पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया यही देखो आउटकम है टू मैग्नीशियम रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स टू मॉलिक्यूल ऑफ टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है बच्चों स्टेप वाइज कैसे फॉलो करना है मैं समझाती हूं एक बहुत ही आसान और वेग भाषा में पहले आपको समझाना चाहती थी समझ आ गया तो वी दे दो वी यस चलिए ऑसम है ऑसम awesome है ठीक awesome है ऑसम awesome है मौसम है ठीक है तो इस क्लास में जो बैलेंसिंग की मैं टेक्निक आपको बता रही थी बहुत ही वे तरीके से जो आपकी एनसीआर में भी गिवन है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है कौन सा मेथड है हिट एंड ट्रायल जैसे ही इसका नाम हो रहा है हिट एंड ट्रायल आपको कोई नंबर हिट किया आपने उसको ट्राई किया बस हो गया रिएक्शन बैलेंस इस तरीके से बैलेंस करना है एलजेब्रिक मेथड इज पूरा मैथ्स का लॉजिक लगा के एल्जेब्रा का लॉजिक लगा के अच्छा लॉजिक होता है क्योंकि आपको मैथ से फिर आंसर गलत नहीं आएगा आपके एनसीआरटी में नहीं है बट कभी कभी ना इक्वेशन में आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो आप कहीं साइड में वो एल्जेब्रिक मेथड लगा के देख सकते हो प्रूफ भी हो जाएगा आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी तो एल्जेब्रिक मेथड भी मैं पढ़ाऊंगी चिंता नहीं करने का बट अगली क्लास में पढ़ाऊंगी ठीक है वन थिंग एट अ टाइम ये जो लॉजिक है ना लाइफ में भी लगाने का बहुत काम आएगा क्या लॉजिक बच्चों वन थिंग एट अ टाइम वन थिंग एट अ टाइम ठीक है आप ज़्यादा अच्छा करोगे और राइट चलो फिर आगे बढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल आ, हिट एंड ट्रायल जैसा इतना सिंपल भी नहीं होता कि मैंने बोला मेरे को एक नंबर हिट किया मैंने अप्लाई किया प्रॉपर रूल्स बता देती हूँ आप इसको फॉलो कर सकते हैं टेबल बना के अगर तीन नंबर में सवाल आता है बट मान लो एक सवाल में आपको तीन इक्वेशन दियो तीनों को बैलेंस करना हो सवाल ही आया वन एंड हाफ नंबर का तीन नंबर का तो आपको जरूरी नहीं है सारे स्टेप्स लिखा के लिख के देना तो सिंपलेस्ट भाषा में और टेबल बना के दोनों समझा देते हो ठीक है चलो फिर तो स्टेप वन होता है कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है जो स्केलेटल फॉर्म में दी हुई थी पहले उसको लिख लो मान लो यहाँ पे मैंने लिखी सी थ्री एच एट एक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एच टू और सी ओ टू बनता है सबसे पहला स्टेप क्या है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखो स्टेप वन आपने पूरी केमिकल इक्वेशन लिख दी स्केलेटल फॉर्म में मतलब हमें पता है कि वो बैलेंस नहीं है स्टेप नंबर क्या होता है? राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट डू दिस इक्वेशन इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन एड हुआ और उसने क्या बना के दिया सीओ टू और वॉटर हम देखते हैं राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स पर एलिमेंट ये मेरे पास दोनों साइड पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ठीक है तो मैं यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लू रिएक्टेंट साइड पे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लू प्रोडक्ट साइड पे भी लिख लिया काम खत्म फिर नंबर ऑफ से कैसे बताओगे इनके देख के ठीक है तीन है ये यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन वन इंटू थ्री थ्री या कुछ नहीं मतलब है वन इंटू एट ठीक है एट ऑक्सीजन कितने दो इधर कार्बन कितना है एक हाइड्रोजन कितना है दो ऑक्सीजन कितने हैं दो और एक तीन ये तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का मैथ्स है बता दो मुझे इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है वन इंटू टू दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन सही है बॉस इतना समझ में आया ये स्टेप टू था वी फॉर विक्ट्री दे दो विक्ट्री फतेह अभी तक हमारे हाथ में है हाँ जी ठीक है चलो नंबर डांस करते हुए तो नहीं दिख रहे ना तुम्हें ये हो क्या रहा है आ जाएगा धीरे धीरे बहुत आसान लगेगा तो यही जो मैंने बताया इस तरीके से मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया ठीक है अब बारी क्या आती है अब हम करेंगे बैलेंस बैलेंस करने का मतलब आगे कुछ डॉक्यूमेट्री ऑफिशंट लगाएंगे ताकि दोनों साइड ये नंबर मैच करे कार्बन मैच करे दोनों साइड हाइड्रोजन मैच करे और ऑक्सीजन मैच करे ये हमारा फर्ज हमारा कर्तव्य यही हमसे परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन सब ये मेंटेन करके रखना है और आंसर देना है ठीक है तो वही कर लेते हैं स्टार्ट विथ सिंगल एलिमेंट्स मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बाद में करो पहले सिंगल एलिमेंट्स को उठाओ एक और लॉजिक अगर मैं आपको बता दूं जो शायद यहां ने लिखा है इसको हमेशा प्रेफर करना बहुत आसानी होगी ठीक है मैं लिख देती हूँ रूल के साथ रूल नंबर वन क्या है बच्चों ये याद रखना कि आपकी जो भी इक्वेशन में आपको मेटल्स नॉन मेटल्स सब मिलेगी ठीक है मैंने बताया था नाइन्थ में भी आई होप आपने मुझसे पढ़ाई की हो नहीं की अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट थोड़े हिल हिल रहे हैं दिमाग में नहीं आ रहे तो जो तीसरा और चौथा चैप्टर है ना उसको रिवाइज कर लो नाइन्थ क्लास का ठीक है वो बहुत काम आता है स्पेशली फोर्थ चैप्टर वैलेंसी का कॉन्सेप्ट कौ, कॉन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है फॉर्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट तीसरे चौथे चैप्टर में मिला के कुछ कुछ चीजें गिवन है मेटल्स वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में एक दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो नॉन मेटल के लास्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है ये याद रखना है ये सब चीजें चार जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ कार्बन जो है जो सिर्फ नॉन मेटल है वेराइटी आने लगती है कार्बन से नीचे वाले एलिमेंट्स चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मेटलॉइड भी हो सकते हैं और फिर बाद में मेटल्स भी हो सकते हैं इतना डिटेल में नहीं जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करोगे स्टार्ट बैलेंसिंग मेटल्स फर्स्ट ठीक है स्टार्ट बैलेंसिंग मेटल्स फर्स्ट सबसे पहले किसको बैलेंस करो मेटल्स को सबसे पहले बैलेंस करो अब आप बोलोगे मैम मान लो एक से ज्यादा मेटल मिल गई मेरे को सोडियम भी मिल गई और मेरे को कैल्शियम भी मिल गया तो मैं किसको बैलेंस करूँ पहले कैल्शियम को करो स्टार्ट विद द वन दैट इज हैविंग हैवी मास ठीक है जिसका मास ज्यादा है पहले उसको बैलेंस करो ठीक है मान लो सारी मेटल्स बैलेंस हो गई उसके बाद नाउ किसको बैलेंस करना है नॉन मेटल एक मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते जाओ आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे नोट्स क्योंकि सेल्फ रिटर्न नोट्स इज लाइक दी बेस्ट कोई किताब से भी बेहतर आपके सेल्फ रिटर्न नोट्स होते हैं आप एनसीआर साथ खोल के बैठो अब मैं जो बोल रही हूँ वो साथ साथ सुनो और साथ साथ नोट्स बनाओ वेरी हेल्पफुल बेस्ट चीज साबित होगी और नोट्स बनाते वक्त या तो इधर थोड़ा स्पेस या एक पेज का थ्री फोर्थ हिस्सा बस यूज करो फिर लगा दो लाइन बाद में कुछ याद आए कुछ चीजें रह गई हो आपसे तो उसको आप वहां पे लिख सकते हो बेस्ट नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी ठीक है नॉन मेटल्स में भी सेम लॉजिक लगाना है पहले किसको बैलेंस करना है जिसका ज्यादा मात्र हो और आप देखोगे बहुत सारी इक्वेश में रिपीट होगा गैसेस लाइक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ठीक है गैस बहुत बार रिपीट होती है तो ट्राई करो कि ऑक्सीजन को थोड़ा लास्ट में बैलेंस करो उससे पहले हाइड्रोजन को क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारी इक्वेशन में ना बार बार रिपीट होता रहता है ठीक है बार बार रिपीट जैसे इस वाली इक्वेशन में भी देख लो एक जगह नहीं लिखा प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन यहाँ भी लिखा है ऑक्सीजन यहाँ भी लिखा है क्योंकि जब एक से ज्यादा जगह आपको लिखा हुआ मिले तो कन्फ्यूजन हो जाती है बैलेंस करने में इसलिए जब आप बाकी चीजें बैलेंस कर लोगे ना ये बैलेंस हो गया तो आपके लिए आसानी हो जाती है क्योंकि कुछ चीज आपको छोड़ मतलब छेड़नी नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली एक चीज पे अटैक कर पाओगे फिर ठीक है तो क्या करो जो गैसेस है उसको लास्ट में बैलेंस करना है और उसमें भी जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में अच्छा ये एकदम वो नहीं है एकदम हंड्रेड परसेंट के यही अप्लाई करना है कभी कभी आपको चीजें लगे उल्टा करके आसानी लग रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी लगे उल्टा करके आसानी लग रही है तो ऐसे भी कर सकते हो हार्ड एंड फास्ट नहीं है बस एक रूल था जो आपके यू नो हेल्प करेगा ओके okay? चलो फिर इसको बैलेंस करेंगे तीन आठ दो तीन दो आई I मीन mean, एक दो तीन जैसे मैंने लॉजिक बताया वही लॉजिक लगा और ज्यादा काम आएगा नॉन मेटल है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों के तीनों नॉन मेटल है पहले हमें किसको बैलेंस करना चाहिए था ऑक्सीजन को क्योंकि ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा होता है मुझे कैसे बता बच्चों अगेन नाइन्थ क्लास कार्बन एलिमेंट पहले आता है उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन स्टार्टिंग के ट्वेंटी एलिमेंट्स जो है वो तो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए और आपको पता है जैसे एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे उनका मास भी बढ़ता चलेगा ना है ना बच्चों चलो ठीक है अला ऐला ऐला कहाँ गया हमारा हाँ ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हम्म अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्सीजन इज समथिंग जिसको लास्ट में बैलेंस करेंगे तो मैं इसको लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ अब बचा कार्बन हाइड्रोजन किसको बैलेंस करोगे कार्बन मास ज्यादा है यहाँ पे तीन है यहाँ पे एक था तीन बनाने के लिए मैंने क्या किया तीन से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है वन जो था उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तीन आ गया वेल well डन यही मुझे चाहिए था चलो तो मैं यहाँ पे तीन लिख देती हूँ ठीक है मैंने तीन लिख दिया अब अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे यहाँ पे हाइड्रोजन थे आठ यहाँ पे हाइड्रोजन थे दो तो इसको किसने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार से ठीक है आठ बन गए समझे बच्चों तो यहाँ मैं इस साइड उसको चार से मल्टीप्लाई कर देती आठ अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं इस साइड दो थी लेकिन इस साइड कितनी थी ये सात कैसे आया जब आपने यहाँ पे तीन लगाया तो तीन इंटू टू छत हो गया लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो मैंने इसको चार से भी मल्टीप्लाई कर दिया अब कितनी ऑक्सीजन बची छे प्लस चार विच टेन इधर टेन है इधर कितनी है टू तो इधर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि टेन आए फाइव यानी कि इस साइड लगा दो आप फाइव आपके रिएक्शन हो गई बैलेंस समझ में आया यस yes, नो no, जल्दी से मुझे बताओ गिव मी योर रिस्पॉन्स बचो वी यस के नो उल्टा भी होता क्या कुछ नहीं आया हाँ चलो दोबारा समझा दो दोबारा समझा समझ चलो ठीक है ये देखो कार्बन था तीन मैंने पहले कार्बन को बैलेंस क्यों किया क्योंकि ऑक्सीजन कॉम्प्लिकेटेड होता है सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे कार्बन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया था आठ तो यहाँ लगा दिया चार बैलेंस हो गया सिंपल होल नंबर लगाते हैं ऑक्सीजन काउंट करो इधर दो थी इधर कितनी थी फोर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है ना मतलब वन है फोर इंटू वन चार ऑक्सीजन थ्री इंटू टू सिक्स ऑक्सीजन O2 था लेकिन बाहर तीन भी तो लगा हुआ था O2 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 कितने ऑक्सीजन हुए छ हुए ना तो छ और चार दस तो इसको दस कैसे बनाऊ पांच से मल्टीप्लाई करके तो इसको पांच से मल्टीप्लाई कर दो हो गया बैलेंस डन दन, डना डन दन. रिएक्शन बैलेंस और आपके सामने है यही अप्रोच लगानी है कुछ सवाल कर ले क्योंकि तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा हाँ जी चलो फिर डन है आगे बढ़ते हैं बच्चों आसान सा सवाल है आंसर्स दिए हुए हैं बट पहले हम खुद से सॉल्व करेंगे आप इस टेबल को और आसान मतलब और सुंदर कैसे बनाओगे आप ऐसे टेबल बना लो ठीक है इधर लिखोगे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इधर हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ठीक है इधर ऊपर एक और टेबल बना लेना नंबर ऑफ या टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी गुड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हम क्या लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट ठीक है बच्चों एलिमेंट का टाइप इस वाली सीरीज में फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स फिर नंबर ऑफ एटम्स कौन सा पी प्रोडक्ट साइट पे बन गई टेबल ठीक है ऐसे टेबल बना लो बना ली टेबल अब देखो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइट पे कितने थे दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितने थे दो कैसे एन टू है ना दो नाइट्रोजन आइटम हमेशा आइटम्स के फॉर्म में लिखना है हाइड्रोजन दो है ना दो लिख दो डन है अब क्या करेंगे प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे कितना है वन है क्योंकि आगे कुछ नहीं है हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे कितना है तीन है क्योंकि आगे कुछ नहीं है बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या है बच्चों नॉन मेटल पहले किसको बैलेंस करोगे नाइट्रोजन को हैवी है तो इधर दो है इधर एक है इसको दो से मल्टीप्लाई कर दू कर दो तो इसके मैं, इसके मैं लिए मैंने यहां पे दो लगा दिया लेकिन जब आप इसने दो से मल्टीप्लाई किया अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ हाइड्रोजन छ बन गए है ना टू इंटू थ्री सिक्स तो चलो ये मैंने लिख दिया अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया दोनों साइड हाइड्रोजन इधर दो है इधर छे है तो तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ एन टू कुछ नहीं है मतलब वन एक मॉलिक्यूल एन टू का तीन मॉलिक्यूल एच टू से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से और दो मॉलिक्यूल किसके प्रोड्यूस करके देगा अमोनिया के एनएच्री अमोनिया गैस है सिंपल था कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत परेशानी इतना ही सिंपल है हिट एंड ट्रायल मेथड ठीक है ये वाला भी बैलेंस कर लेते हैं सेम टेबल बनाएंगे टेबल में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों मेरे पास है आयन ऑक्सीजन और कार्बन दोनों साइड एटम्स तो सेम रहेंगे ना टाइप ऑफ एटम्स आयन है कार्बन है और ऑक्सीजन है तीन तरीके के मेरे पास एटम्स थे आड माय माई हैंड राइटिंग आपको पता है बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग है एजी मैम की इतना जलने की जरूरत नहीं है हाँ डोंट बी सो जेलेस इट्स ओके टैलेंट है रेयर टैलेंट अब रिएक्टेंट साइड पे लिखोगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को हम डिवाइड कर लेंगे ठीक है इधर एक टेबल बना लेना रिएक्टेंट साइड में दो है आयन कार्बन कितने हैं वन है रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है तीन रिएक्टेंट साइड पे इधर लिखेंगे प्रोडक्ट एक ऊपर टेबल बना देना ना सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ इधर है आयन वन प्रोडक्ट साइड पे कार्बन कितना है वन और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे है दो प्रोडक्ट साइड पे ठीक है अब चलो बैलेंस करें अब खुद करके बताओ मैं तो कर ही लूंगी मेरा मोटिव है कि आपको आ जाए उससे बढ़िया क्या होगा हम्म डन ओके सबसे पहले मैंने बताया था आयन कार्बन ऑक्सीजन आयन एक मेटल है कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल है मेटल से पहले स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना यहाँ पे दो है यहां पे एक है दो से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है बैलेंस हो गया तो यहां पे दो लगा दो ठीक है नहीं दिख रहा एक काम करते हैं ब्रेड ले लेते हैं ठीक है डन आयन के बाद अब कार्बन ऑक्सीजन मैंने बताया था किस पे अटैक करोगे कार्बन पे पहले क्योंकि कार्बन का लोअर मास है और ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करेंगे बता दिया एक कार्बन एक कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तीन यहां पे ऑक्सीजन है दो तो अब आप बताओ एक जगह तीन है एक जगह दो है सेम नंबर कैसे लाओगे दो को तीन से मल्टीप्लाई कर दो तीन को दो से नॉर्मल लॉजिक लगाओ मैथ्स का एक नंबर तो तीन को कर दो, दो से मल्टीप्लाई दो को कर दो तीन से मल्टीप्लाई हो गया है ना तो यहां पे कितने थे तीन यहां पे हम लगा देंगे दो. ओके यहां पे हमने लगा दिया दो यहां पे टू इंटू थ्री सिक्स तो यहां पे लगा दिया तीन क्योंकि तीन से मल्टीप्लाई किया बट बच्चों यहां पे एक गेम चेंजर हो गया आपने ऑक्सीजन दोनों जगह बैलेंस कर दिया 6 और 6। लेकिन देखो ऑक्सीजन आयन से अटैच था उसने आयन को चार बना दिया है ना तो यहां हम दो से नहीं हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे चार से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है इसको अभी एक और नंबर आगे बढ़ा बढ़ा देते चार से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आयन चार हो गए चार हो गए कार्बन देखो कार्बन एक ही था लेकिन इधर कार्बन कितने बन गए तीन तो यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब रिएक्शन हो गई बैलेंस चार आयन चार आयन तीन कार्बन तीन कार्बन छह ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन गेम चेंजर साबित हो गया

तो आपको इतना ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आप बैलेंस कर लो साइड में ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे अब मैं आपको उसका सलूशन दिया हुआ था मैं भी आपको एक सवाल देती हूँ इसको बैलेंस करने की कोशिश करो बहुत ही आसान सवाल है इसको बैलेंस करो चलो मेरे पास है उम, ओके और उसके साथ है चलो इसको बैलेंस करो आसान लेवल ऑफ मैथ्स चलो बैलेंस करो बहुत ही आसान लेवल ऑफ मैथ्स बैलेंस करो चलो हाँ जी हो गया बस कॉफिशन की वैल्यू बता दो मुझे एबीसीडी टाइप डन देखो टू एने मेटल ने, इधर एक ही है टू से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है एक ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया एक और लॉजिक लगाने के लिए जब आपके पास पॉलीएटॉमिक स्पीशी आती है ना पॉलीएटॉमिक मतलब ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज आपको पता है सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है हाइड्रोक्साइड है नाइट्रेट है ऐसे कुछ पॉलीएटॉमिक आयन जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में ऐसे ही लिखे मिले ना आपको तो उनको तोड़ो मत मतलब सल्फर और ऑक्सीजन अलग मत करो सल्फेट को खुद एक एंटिटी मान लो जिसको बैलेंस करना है तुम्हें आसान हो जाएगा तो एक सल्फेट एक सल्फेट सॉर्टेड है इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पे हाइड्रोजन दो है यहाँ पे एक है दो से मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया दो सीएल है यहाँ पे दो सीएल है ऑलरेडी बैलेंस हो गया रिएक्शन बैलेंस है सॉर्टेड है समझ में आया आपको समझ में आया बच्चों चलो फिर ये एग्जाम्पल करो 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 एक मिनट लिख रही हूं भाई चलो करो इसको मैंने एक रिएक्शन ली एच थ्री पीओ फोर होता है फॉस्फोरिक एसिड एसिड में मैंने सोडियम मेटल डाल दी सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले ली ठीक है तो सोडियम फॉस्फेट और हाइड्रोजन गैस चलो बैलेंस करो चलो सिंपल है बहुत सिंपल है करो चुटकियों में हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए मेटल को बैलेंस करेंगे एक सोडियम है तीन सोडियम है मेटल बैलेंस फॉस्फेट पॉलीटॉमिक आयन है एज सच मानो एक एक बैलेंस है अब हाइड्रोजन देखो तीन है यहाँ पे दो है टेक्निक बताई थी एक ऑड वे हो एक इवन हो आपस में मल्टीप्लाई कर दो तीन को दो से मल्टीप्लाई कर दो और दो को तीन से कर दो है ना टू इंटू थ्री सिक्स थ्री इंटू टू सिक्स हाइड्रोजन हो गए बैलेंस बट वेट फॉस्फेट बन गए दो फॉस्फेट दो बन गए है ना दो फॉस्फेट या लगा लो दो जैसे आपने दो फॉस्फेट किए हाइड्रोजन आई मीन सोडियम बन गए छ ये तीन ना होके जाएगा इस तरीके से बैलेंसिंग होती है जरूरी नहीं है आपको एक बार नंबर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते भैया बैलेंसिंग से मतलब है हमें वो होना चाहिए और मैंने देखा जब हाइड्रोजन को बैलेंस किया उल्टा हो रहा है यहाँ पे उल्टी साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले बैलेंस करने पड़ रहे हैं क्योंकि उससे पूरी स्पीशी पे असर पड़ रहा है है ना सही है मुश्किल तो नहीं है मुश्किलात आएगी गालिब स्टार्टिंग में मुश्किलात आएगी बट आगे आगे बहुत आसान हो जाएगा चलो एक और करो साथ में एक सिंपल सा और देती हूँ NaOH ए प्लस एच टू एस बहुत ही सिंपल कौन सी रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन uh, रिएक्शन है मेरा बनेगा uh, Na2SO4 ए प्लस ठीक है इसको बैलेंस करो चलो जल्दी से देन वी विल मूव अहेड बैलेंस करो इसको हुँ? गाना तो नहीं आ रहा था में कोई मुझको क्या हुआ है क्यों मैं मैं खो गया गया पागल था मैं पहले या अब हो गया हूं? ये सब देख के आसान है भाई ऐसे तो गाना मत गाना <laughs> एक सोडियम दो सोडियम दो से मल्टीप्लाई कर दो सोडियम बैलेंस हो गया ठीक है अब देखो उसके बाद है मेरे पास वाटर जो है ना वाटर को जब आपको बैलेंस करना है ना उसको ऐसे लिख लो एच ओ एच क्योंकि वाटर हमेशा टूट जाता है एच आईओन और ओ एच आय देने में ठीक है उससे आसानी क्यों मिल जाएगी मुझे पता है मेरे पास दो ओ एच आईन है ठीक है दो क्या है ओ एच आईन है मैंने बोला था पोलिटॉमिक आयन को एक स्पीशी मान के चलो तो दो ओ एच आइन है इधर कितना ओ एच है एक ही है तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो पूरा एच ओ एच दो से मल्टीप्लाई हो गया तो दो ओ एच है ना दो एच दो ही हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन यहाँ पे है ऑलरेडी बैलेंस है एक सल्फेट एक सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस है फिर से बता दूं कोई कंफ्यूजन है तो दो एन ए दो एन ए बैलेंस कर लिया दो ओ एच पॉलीटॉमिक आयन को एक ही स्पीशी मान के चलूंगी दो ओ एच है यहाँ पे एक था दो से मल्टीप्लाई कर लिया जिसके वजह से दो हाइड्रोजन बचे दो हाइड्रोजन है बैलेंस है एक सल्फेट एक सल्फेट बैलेंस है रिएक्शन बैलेंस हो गए डन सॉर्टेड आ गया केमिस्ट्री मुश्किल तो नहीं लग रही लग रही है जो मैं दे रही हूँ एनसीआरटी में जितने भी इनटेक्स सवाल है एक्सरसाइज में बैलेंसिंग से जितने भी सवाल है करके लाने हैं और कौन से होमवर्क सवाल का जवाब देना कमेंट करके ये वाला सोडियम कार्बोनेट में मैंने एच डाला एक्स मोल मुझे नहीं पता एक्स की वैल्यू आपको मुझे बतानी है ठीक है एक्स की वैल्यू आपको मुझे बतानी है तो टू एन बना सी बना वाटर बना द वैल्यू ऑफ एक्स ले ले ये सवाल मतलब खाबी स्टाइल हम वन टू फोर और फाइव ये वैल्यू बता देना ऑप्शन के साथ आसान सा सवाल है स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो और आंसर ज़रूर देना क्योंकि योर आंसर्स मैंट अलॉट टू मी मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप फॉलो कर रहे हो आप सुन रहे हो ध्यान से और आपके लिए ये लेक्चर्स और हमारी मेहनत मैटर करती है तो आंसर ज़रूर देना ये ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा और साथ में गोल्डन हार्ट एटम्स आर्मी यू नो सोने का दिल ठीक है शेयर कर देना दोस्तों के साथ और उनको बोलना भाई अगर तुम इस चैनल को फॉलो नहीं करते हो कर लो जिंदगी तबाह नहीं आबाद हो जाएगी बर्बाद नहीं होगी आबाद हो जाएगी ठीक है तो जरूर शेयर करना नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लाइफ विल बी सॉर्टेड टेंथ के एस्पेक्ट में और बस आज के लिए इतना ही अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी एल्जेब्रिक मेथड होमवर्क भी डिस्कस करेंगे तो मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए आस्ता, आटम, शुक्रिया, आदाब सिया